हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो गाइस आज आपके लिए लेके आए हैं होंडा शाइन, जिसको आप CB125 भी बोल सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक बोलते हैं इसको गाइस। तो आज जानेंगे कि क्या कुछ चेंज किया है कंपनी ने इस बाइक पे, और इसका ऑन रोड प्राइस के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले गाइस। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले आपको इसका एक साइड लुक दिखा देते हैं, जो कि बाइक कुछ इस तरह से दिखती है। तो आपने देखा होगा 125 की बहुत सारी बाइक जो कि इससे बहुत ही सिमिलर मिलती जुलती है, बट दिस वन इज़ द बेस्ट 125 सेगमेंट बाइक, जिसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंडियन मार्केट में। तो फर्स्टली मैं आपको इसका दिखा देता हूँ ऑल न्यू ग्राफिक्स, जो कि अब हल्का सा डार्क मेटेलिक ग्रे में आने लगा है, जिससे इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल न्यू डिज़ाइन के साथ होंडा का सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे की ओर अगर आप जाएं तो पीछे की ओर आपको साइन लिखा हुआ मिल जाएगा वाइट कलर में और ब्लैक बॉर्डर के साथ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा गाइस। यहाँ पर आपको नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको 125 लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक क्रोम का वर्क मिल जाएगा गाइस। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सेक्शन के बारे में गाइस। तो फ्रंट सेक्शन में आपको वही हैलोजन बल्ब सेटअप मिलता है, एक छोटा सा वाइजर उसके ऊपर आपको मिल जाएगा होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्रोम का भी वर्क मिल जाएगा हेडलाइट के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा आपको ग्राफिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे गाइस, वो भी आपको बल्ब में ही मिलेंगे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, और नीचे की ओर आप अगर देखोगे तो आपको ग्रे कलर का मेटेलिक में आपको मडगार्ड मिल जाएगा, दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे राइट टू लेफ्ट। और टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो आपको वही 80x100 का टायर सेक्शन मिल जाता है, और 18 इंच के आपको अलॉय मिल जाते हैं गाइस। इसमें जो टायर लगा रहता है वो TVS कंपनी का ही टायर लगता है, आपको कोई अदर ब्रांड नहीं मिलता है गाइस। यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा था दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं राइट टू लेफ्ट। अब बात कर लेते हैं इसके रेयर के बारे में गाइस। तो सबसे पहले आपको रेयर में दिख रहा होगा एक सारी गार्ड और एक फुट रेस्ट, उसके पीछे जाएंगे टेल लाइट दिख जाएगा जो कि बल्ब में प्रेजेंट है, दो इंडिकेटर्स जो कि बल्ब में ही मिलते हैं आपको। रेयर टायर सेक्शन के बारे में बात कर ले तो आपको यहाँ पर भी 80x100 का टायर सेक्शन मिलता है, और 18 इंच के आपको अलॉय मिल जाता है। रेयर ट्यूबलेस टायर है गाइस। बात कर लेते हैं इसके टेल लाइट के पास तो यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है, और इसका जो टेल लाइट है कुछ इस तरह से इसका लुक करता है, और यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ग्रैब ग्रिल मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में प्रेजेंट है, जो कि बॉडी कलर से बहुत ही मैच करता है। सीट आपको पिलियन राइडर दोनों के लिए एक साथ लंबी सी बड़ी सीट मिलती है जो कि कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है गाइस। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में गाइस। तो इसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो मिलता है एनालॉग मीटर में। तो 125 सेगमेंट में और भी बाइक आती है जिनका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज़्यादा एडवांस रहता है, और 125 सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। तो थोड़ा सा होंडा को ध्यान देना चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गाइस। तो इसमें सिर्फ आपको एक अभी न्यू अपडेट में मैं बता दूं तो साइड स्टैंड अलार्म मिल जाता है, मतलब डोनेट कर देता है। और ये रही इसकी की, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। और बात कर लेते हैं इसके स्विचेस के बारे में तो स्विचेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको पासिंग लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड सेल्फ मिल जाता है, जिसमें आपको ऑन ऑफ और इंजन स्टार्ट करने का सब एक ही में रहता है। नीचे की ओर आपको मिल जाता है किक, कंपनी आपको किक प्रोवाइड करती है, तो बहुत जन को किक की नीड रहती है, तो इसमें इस गाड़ी में आपको किक मिल रही है। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, तो यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है गाइस। तो गाइस गाड़ी में बैटरी नहीं है, वरना मैं आपको इसको बताता कि यह वर्क कैसे करती है। यहाँ पर यह सेंसर लगा हुआ है। आपको इसमें जो गियर बॉक्स मिलते हैं वो 5 मिलते हैं, मतलब फ्रंट में आपको मिल जाता है न्यूट्रल और बाकी सब आपको ऊपर की ओर मिलते हैं, तो आपका न्यूट्रल बहुत ही आराम से हो जाएगा। आपको ये ही एंड ट्विस्ट शिफ्ट मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में गाइस। तो इसमें आपको गाइस वही 124cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 इंजन मिल जाता है, 10.74 PS मिल जाता है 7500 RPM में। मैक्सिमम टॉर्क आपको 11 Nm टॉर्क मिलता है, जो कि आपको मिलता है 6000 RPM में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो एग्जॉस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको पूरा फुल क्रोम कवर मिल जाता है, तो ये भी नहीं है जिस वजह से मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा हूँ। और अगर बात कर ले इसके ऑल ओवर लुक के बारे में तो 125 सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है। चेक की ओर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डुअल स्टैंड का भी ऑप्शन मिलता है। और ग्राउंड स्पेस के बारे में बात करें तो वो आपको 163 mm का ग्राउंड स्पेस मिल जाता है, और गाड़ी की जो कर्व वेट है टोटल वो आपको मिल जाती है 114 kg की, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट पॉइंट के बारे में गाइज़। तो गाइज़ इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है हमारे शौर्य होंडा में, वो चल रहा है
76,132। तो ये जो गाड़ी है ये ड्रम वेरिएंट में प्रेजेंट है गाइज। दिस वेरिएंट जैसे ही आएगी तो हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइज। तो अब मैं आपको बता देता हूँ उसका ऑन रोड प्राइस। तो वो सिटी टू सिटी वेरी करता है गाइज, आपके सिटी में कुछ और चल रहा होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपके सिटी में ऑन रोड प्राइस कितना चल रहा है। तो हमारे सिटी में इसका जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 91,125। तो गाइज यही थी आज की फुल डिटेल रिव्यू। अगर वीडियो में मज़ा आया होगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आते ही रहेंगे हमारे चैनल पे। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।